पुलिस भर्ती के अंतिम दिन पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए युवतियों ने पसीना बहाया। शुक्रवार को महिला कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती हुई। सुबह 5 बजे अभ्यर्थी मैदान में पहुंच गए थे। बारिश के कारण मैदान का ट्रैक कीचड़ में तब्दील हो गया था। बावजूद इसके पुलिस की वर्दी पहनने के चाहवानों ने मैदान में अपना जमकर दम दिखाया। भर्ती प्रक्रिया में कुछ के लिए दौड़ बाधा बनी तो कुछ के लिए लंबी छलांग व ऊंची छलांग। इस भर्ती में काफी संख्या में युवकों और युवतियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 1068 पदों के लिए पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चली हुई है। कुछ जिलों में भर्ती हो चुकी है और कुछ जिलों में होनी है। हमीरपुर जिला में 88 पदों के लिए लगभग 5500 युवा और युवतियों ने इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया है। एसपी हमीरपुर अजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि भर्ती के अंतिम दिन महिला कांस्टेबल व कांस्टेबल ड्राइवर की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली गई। उन्होंने बताया कि 4 दिन तक पुलिस भर्ती आयोजित की गई, जिसमें ग्राउंड क्लियर कर चुके अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होगी। मेरिट के आधार पर ही पदों को भरा जाएगा। योगा में नाम कमाने की चाहत रखने वाली नन्ही निधि डोगरा ने हमीरपुर का नाम रोशन किया है। किसमें कितना है दम रियलिटी शो सीजन 4 में योगा में विजेता बनी है। हमीरपुर के चोरी गांव की रहने वाली निधि डोगरा ने 9 से 17 जुलाई के बीच हुई किसमें कितना है दम रियलिटी शो के ग्रैंड फिनाले में विजेता रही है और विजेता रहने पर निधि को 5000 रुपए इनाम ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र मिला है। ग्रैंड फिनाले जीतने पर परिवारजनों में बेहद खुशी है और परिवारजनों ने मिठाई खिलाकर निधि डोगरा को बधाई दी। आपको बता दें कि निधि डोगरा हमीरपुर जिला के चोरी की रहने वाली हैं और निजी स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ती हैं। निधि के पिता शशि कुमार जो कि एक सरकारी स्कूल में शारीरिक अध्यापक हैं, तो माता कुशल गृहिणी हैं। पंजाब के लुधियाना में हुए रियलिटी शो में कुल 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। निधि डोगरा कठिन से कठिन आसनों को भी चुटकी में कर लेती है, जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह जाता है। और इससे पहले निधि डोगरा कई प्रतियोगिताओं में अपनी मेहनता का लोहा मनवा चुकी है। निधि डोगरा ने अपनी जीत पर खुशी जाहिर की और कहा कि ग्रैंड फिनाले में जीतने की पूरी उम्मीद थी। उन्होंने बताया कि पहले सेमीफाइनल खरड़ में हुआ था और अब लुधियाना में ग्रैंड फिनाले में पहले नंबर पर रही हूं। उन्होंने बताया कि पापा के सिखाने के बाद ही आज ये सब संभव हो पाया है। निधि ने बताया कि मेरी तमन्ना है कि आगे चलकर राष्ट्र स्तर पर पूरे हमीरपुर और हिमाचल का नाम रोशन करूं। निधि डोगरा के पिता शशि कुमार ने बताया कि बेटी के ग्रैंड फिनाले में जीतने पर बहुत ही खुशी हुई है और पिता के साथ साथ कोच होने के नाते चाहता हूं कि आगे भी ऐसे ही नाम कमाती रहे। निधि के दादा करमचंद का कहना है कि योगा में पोती की कामयाबी पर बहुत खुशी है। उन्होंने बताया कि जब सेमीफाइनल जीती थी तो तभी उम्मीद थी कि फाइनल भी जीतेगी और आज फाइनल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। निधि की माता निशा कुमारी ने बताया कि निधि के सेमीफाइनल से ही उम्मीद थी कि फाइनल भी जीतेगी और आज योगा में विजेता बनकर निधि ने पूरे हमीरपुर का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी बेटी पर पूरा गर्व है।
विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही स्वरोजगार की योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए आईटीआई बंगाणा में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त संदीप कुमार ने की। शिविर में डीसी ने युवाओं से स्वरोजगार को अपनाकर सफलता की राह पर चलने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर कई मेहनतकश युवा अपने अपने क्षेत्र में सफल हुए हैं। ऐसे में स्वरोजगार अपनाकर वे न केवल अपने लिए रोजी रोटी का अच्छा साधन ढूंढ सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। संदीप कुमार ने कहा कि युवाओं को अपने करियर के बारे में सही समय पर निर्णय लेना चाहिए और फिर अपना लक्ष्य निर्धारित कर उस तक पहुंचने के लिए भरपूर मेहनत करनी चाहिए। बिना परिश्रम कोई भी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस शिविर के आयोजन के लिए काफी प्रयास किया है और ये प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब युवा प्रेरित होकर योजनाओं को लाभ उठाएंगे। उन्होंने युवाओं से अपने परिवार और आस पड़ोस में भी इन योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा, ताकि जरूरतमंदों तथा योजनाओं की जानकारी पहुंच सके। उपायुक्त ने सभी विभागों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अधिकारी अपने अपने विभागों की सफलता की कहानियों के बारे में युवाओं को जागरूक करें, युवा उनसे सीख लेकर स्वरोजगार के प्रति प्रेरित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो युवा विभाग के कार्यालय में आकर योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी भी भरपूर मदद की जाए। शिविर के दौरान उद्योग विभाग के महाप्रबंधक अंशुल धीमान ने युवाओं को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्टेट मिशन फूड प्रोसेसिंग तथा सीएम स्टार्टअप योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कृषि विभाग की ओर से उपनिदेशक डॉक्टर सुरेश कपूर ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के बारे में बताया। साथ ही मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना और पॉली हाउस लगाने की योजनाओं और इन पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में भी जानकारी दी। बागवानी विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर सुभाष चंद ने एकीकृत बागवानी मिशन, संघ खेती, मधुमक्खी पालन तथा मशरूम की खेती के बारे में विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के बारे में बताया। शिविर के दौरान कौशल विकास निगम के जिला संयोजक राजेश कुमार ने भी विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की। शिविर में आईटीआई बंगाणा के साथ साथ राजकीय महाविद्यालय बंगाणा के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया।